चुनाव से ठीक पहले शिवराज मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरे शामिल होने की अटकलों पर आज सुबह विराम लग गया है। भाजपा नेता राजेंद्र शुक्ल, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में तीनों ही नेताओं को पद एवं कर्तव्यों की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन के समर्थक और कुछ टिकट के दावेदार भी भोपाल में मौजूद रहे। बताया गया कि मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस किया है। पार्टी ने विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से सातवीं बार विधायक है। वे 1985, 1990, 1993 और 2003, 2008, 2013, 2018 में विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अलावा दो बार शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में उन्हें कोई भी पद नहीं मिला था, तब से ही वे नाराज चल रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया था। वही अब चुनाव से ठीक ढाई महीने पहले उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया है। अब की बार पांचवी बार, अब की बार पांचवी बार, भारत माता की। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम बकेरा में बकरी गुम होने से जुड़े एक मामले में कथित तौर पर आदिवासी परिवार को प्रताड़ित किए जाने का मामला पूरी तरह से फेक निकला। इस मामले में राजनीतिक दुश्मनी के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने उपसरपंच के विरुद्ध आदिवासी परिवार को बरगला कर गलत शिकायत कराई, जिसे लेकर अब सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम और अजाक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर परते ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह से गलत है। हमने स्वयं आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रकरण सच है तो मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, और झूठ पाया जाता है तो जिन लोगों ने आदिवासी समुदाय को बदनाम करने के लिए साजिश रची है उन पर भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अपने वोटों के लिए हो या फिर अपना राजनीतिक लाभ के लिए है, इस प्रकार से उन दोनों को मोहरा बनाया। आदिवासी जो दोनों, जो घनश्याम तेकाम और राम तेकाम हैं, उनको मोहरा बनाया गया है और उनको बहला फुसला के ले जाया गया। वहाँ ये भी बताया गया कि किसी जमीन के मामले को हम करवा रहे हैं या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, आदिवासी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ऐसा करके उनको ले जाया गया। और वहाँ पर उन लोगों ने जो बोपचे, क्या नाम है उनका, मनोज बोपचे और एक और हैं विजय बोपचे और विजय बिसेन और चौबे वकील, ये तीनों ने मिलकर ज्ञापन तैयार किया और ये फर्जी तरीके से जो घटना को वहाँ पर षड्यंत्र के तहत में SDM के पास में पेश किया गया है और उसे वायरल किया है। इससे पूरे देश के जो आदिवासी समुदाय है वो आहत हुआ है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि जहां भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है वहां पर आदिवासी पर इस प्रकार से अत्याचार हुआ है, आदिवासी समाज के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, तो ये मान सम्मान का विषय है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास में पूरे स्टेट, जो 18-19 स्टेट में जो आदिवासी रहते हैं उनसे हम कनेक्टेड हैं और सभी जगह से हमारे को फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि भाई आपके होम डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से जो घटना घटी है उसको संज्ञान में लेके आप त्वरित जो आरोपी हैं जिनने इस प्रकार का आदिवासी को मोहरा बनाकर जो षड्यंत्र किया है उसके ऊपर आप एट्रोसिटी एक्ट लगवाइए और उसे तुरंत एक कड़ी कार्रवाई के लिए उसे प्रेषित करिए। देखिए, घटना की सत्यता जैसे अभी कुछ लोगों ने शायद उनके परिजनों से मिला है, परिजनों से मिलने पर ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कल हमको मीडिया के माध्यम से रात में शाम को हमको जानकारी लगी कि एक आदिवासियों के साथ जैसे सीधी में हुआ था ऐसा ही एक और कांड बालाघाट में हो गया। तो कल की जो घटना घटी उससे दो प्रकार की चीज़ें, उसमें सत्यता कितनी है कितनी गलत है उसकी जांच तो कर SDM साहब यहाँ पे करेंगे या जो एट्रोसिटी के तहत जो जांच अधिकारी वो करेंगे, लेकिन हम कहते हैं इस कल के मामले ने पूरे समाज को बदनाम किया, पूरे आदिवासी को बदनाम किया, पूरे जिले को बदनाम किया। तो मैं कहता हूँ यदि मान लो सत्यता है, जिसने यदि उनके साथ ऐसे अत्याचार किया, पैर चटवाया, तो निस्संदेह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि मान लो उसने ऐसी कोई अपराध नहीं किया तो निस्संदेह जिसने ऐसे फर्जी FIR दर्ज करवाई है या फर्जी जिसने शिकायत दर्ज की है ऐसे व्यक्ति पर भी FIR दर्ज हो सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट के तहत है। क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट इतने आसान एक्ट नहीं है, इतना आसान अधिनियम नहीं है कि हम ये चाहें कि आज हमें कह दें कि इसने हमारे साथ अपराध किया और कल हम ये कह दें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एट्रोसिटी एक्ट का मजाक बनाने जैसा होता। तो मैं तो SDM साहब से अनुरोध करूंगा, आज हम अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं कि SDM साहब इसको संज्ञान में लें, FIR दर्ज करें और जांच करें, निष्पक्षता के साथ जांच करें। यदि अपराधी ने अपराध किया जिस पर नाम उन्होंने आरोप लगाया, यदि वो अपराधी है उसको सजा दें, यदि वो अपराधी नहीं है निष्पक्ष जांच करके यदि मतलब गलत रिपोर्ट होती है तो उस पर भी कार्रवाई
सही हो, हम इतना चाहते हैं ताकि एट्रोसिटी एक्ट का सही महत्व समझ में आए लोगों को और उसका मिसयूज भी ना हो सके। गौरतलब है कि वाराणसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकेरा में बकरी गुम होने के मामले में आदिवासी पिता पुत्र घनश्याम टेकाम और राम टेकाम को प्रताड़ित किए जाने की खबरें मीडिया में आई थी। इस मामले में आदिवासी समाज में आक्रोश देखने मिल रहा था। इसी को लेकर आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भुवन सिंह को राम ने बकेरा का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पिता और पुत्र दोनों ही उन्हें नहीं मिले। इस दौरान परिजनों ने चर्चा में कहा है कि बकरी चोरी का मामला हुआ है, लेकिन पैर चटवाने या मारपीट जैसी घटना नहीं हुई। फिलहाल यह मामला पूरी तरह से उलझ गया है। आदिवासी समाज और उप सरपंच सहित अन्य लोगों ने भी आज SDM कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने के लिए आवाज उठाई। उप सरपंच प्रताप बिसेन और जनपद सदस्य सोमेंद्र भौतिक ने कहा है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वेष के चलते फर्जी ज्ञापन तैयार किया और आदिवासी समाज को बदनाम कर दिया, जिससे उन्हें भी आत्मग्लानि महसूस हो रही है। बोले ठीक है आप FIR कर दो, तीन FIR कर दी। अब इनकी बकरी उसके 3-4 दिन पहले घूम चुकी थी, इन्हें छोड़ भी दी थी कि बोलेगा कुत्ता खाया की कुछ खाया, मतलब क्या गाँव में इसको लेकर मीटिंग भी आयोजित की गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, उनने मेरे को बुलवाए थे और सोनेन्द्र भौतिक जी को और शीतल भैया, तो वहाँ उनके घर के सामने छत तो बैठे थे, बस हम दो ही आदमी गए थे। उन्हें बोले कि हमारे नाम से रिपोर्ट हो गई, हमको थाना नहीं जाना है। फिर अचानक कल उन आदिवासी पिता पुत्र ने क्यों आपके खिलाफ में शिकायत? ये रंजिश है पुराने चुनाव की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल को पिछड़ा वर्ग के आइकॉन के रूप में याद किया जाता है। उनके प्रयासों की वजह से ही केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ। इसी को लेकर 25 अगस्त को नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में शिक्षित व जागरूक OBC युवाओं ने उनकी जयंती मनाई और पिछड़ा वर्ग के उत्थान में उनकी भूमिका पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आयोजन मनीष रांगडाले के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सहयोग के तौर पर समीर बिसेन, निश्चय सोनबीर से, हामेश कटरे, सौरभ भगत, ललित मारवाड़े, नितेश साहू, शिव नकपुरे, अजय माथरे, आदित्य रांगडाले, ललित बघेल सहित अन्य युवा मौजूद रहे। वही आमंत्रित पदाधिकारियों में OBC के किसी भी नेता ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। आप नेता शिव जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता महेंद्र अमूले, सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लोधी, मूल निवासी हेमेंद्र साहू और PL पाचे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक मनीष रांगडाले ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की शिवराज सरकार और बालाघाट के विधायक गौरी शंकर बिसेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले सहित आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन को लेकर कहा कि इन्होंने 27% आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं लिया। आज वे फिर बुढ़ापे में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए भोपाल में बैठे हुए हैं। जमे हुए हैं। यही व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा इस OBC अध्यक्ष, एक शब्द नहीं निकला इस OBC अध्यक्ष के मुंह से आज तक। और अब इसको मंत्री पद चाहिए, आज मंत्री पद की शपथ ले रहा है ये बुढ़ापे का व्यक्ति, कब्र में पांव रखे हैं इनके, फिर भी इनको समझ नहीं। जैसे ही मैं सेंटर मिला था, मैं समझ गया कि इनके सेंटर बैन हुए हैं इनके पड़ोसी जिलों के, कंफर्म ये बालाघाट में ऐसा कुछ करेंगे जिसका परिणाम ग्वालियर तक सुनाई देगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। पिछले 4 दिन पहले की खबर है, FIR हो चुकी है एक व्यक्ति के ऊपर जो क्या करवा रहा था, जो नकल करवा रहा था या सिस्टम में कुछ ऐसे वोट डाल रहा था जिसके माध्यम से अपने आप क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे थे, अपने आप क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे थे और अपने आप उनके नंबर आ रहे थे। पटवारी भर्ती परीक्षा में आपने देखा है, मतलब ये मान नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं मान रहे, क्योंकि इनके पास 15 लाख है और हमारे पास 80,000 रुपए वार्षिक आय। इतने संसाधन होने के बाद भी ये 50% सीटों में बोलते हैं कि भैया बिल्कुल आप मुकाबला कीजिए। कैसे मुकाबला करेगा वो व्यक्ति? अभी इनका ये 5 तारीख को आने वाले हैं और 5 तारीख को ये यही बताएंगे कि हम मेडिकल कॉलेज के लिए गड्ढा खोद के जाएंगे और उसको बनाएंगे ये 2028 में, और 2028 में फिर ये वोट मांगने आएंगे। 2028 के लिए भी ये इसीलिए वोट मांगने आएंगे। तो उस बिल्डिंग को अगर आप देखिए, इतनी भव्य बिल्डिंग है, मतलब मैं बहुत अचंभित हुआ कि बालाघाट सिवनी की अपेक्षा अगर शिक्षा के मामलों में देखें तो बालाघाट बहुत आगे है।